आपको सत्य बात बताऊं, क्या वक्त हुआ है? 12 बज रहे हैं। खुली छतों के चिराग कब के बुझा दिए होते हवा ने, कोई तो है जो हवा के हाथ बांध करके रखता है। वो है नहीं तो आपको बताऊं, मैं हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इस धरती पर आज भी सतयुग भी है, त्रेता भी है, द्वापर भी है और कलयुग तो है ही है। सतयुग जहां पर घर में पिता दुष्ट हो और बेटा भगवान का भगत हो, सारे अत्याचार सहकर के भी क्या बोल रहा हो, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जहां सतयुग चल रहा है, तीनों युगों में चलेंगे हम, आप और हम सब मिलकर के सतयुग चल रहा है। और प्रहलाद कह रहा है जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण। आगे आ जाओ भैया, और रहोगे दूर इस चौखट से तो खोना ही खोना है। जो दूर दूर रहते हैं भगवान से, उनकी किस्मत में रोना ही रोना है। सब कुछ देते रहते हैं भगवान, फिर भी रोते रहते हैं कई लोग। भगवान इतना कुछ देते हैं, फिर भी कईयों को रोने की आदत होती है। और भैया कैसा चल रहा है बैंक में? अच्छा खासा पैसा है, सब कुछ ऐसा ही है बस। घर बढ़िया है, घर में सब स्वस्थ है, और भैया ऐसा ही चल रहा है। कभी कभी भगवान भी कह देते हैं फिर तथास्तु, ऐसा ही चलेगा फिर। हर हर पल शुक्राना, हर वेले अरदास भगवान से, शुक्र करते रहिए कि तूने जो दिया बहुत दिया, मैं तो इसके काबिल भी नहीं था। हर पल अरदास करिए, हे दाता सारे संसार को सुखी रखना, खुश रखना, मेरी ये अरदास है। जय जय नारायण नारायण हरि 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 हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, सबसे न्यारी न्यारी हरि, हम जाए तुझ पर बली हरि 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 हरि, हम जाए तुझ इधर। आज तलक संसार कोई देखा है? कभी गौर से भगवान को देखा? कितने लोग वृंदावन होके आए हैं, बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, जब जाते हैं बिहारी जी के समक्ष तो कैसे दर्शन करते हैं, जल्दी करके जल्दी बताओ। ऐसे और फिर बस ये ही नहीं करना, ये बंद नहीं करने। भाई भगवान को देखने गए हैं, दर्शन करने गए ना भगवान के, और भगवान के सामने जाते ही आंख बंद कर ली। बाहर जाते ही गली में आके फाड़ फाड़ के लस्सी, वृंदावन के पेड़े, सब कुछ दिखेगा। अंदर जाते ही आंख बंद। भगवान कहते आंख ही बंद करने दी तो आए किस लिए थे? दर्शन करो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो,
वृंदावन में हमारे पास एक बार हमारे एक भैया आए मिलने के लिए, बोले दीदी हम वृंदावन आ रहे हैं, आ जाओ भाई। सवेरे सवेरे उठ गए, दर्शन करने जा रहे हैं, 8 बजे चले गए दर्शन करने, 1 बजे आए। हमने कहा भैया कहाँ कहाँ हो आए, 1 बजे आए हो, 5 घंटे लगा दिए। बोले हम तो कहीं जा ही नहीं पाए, जो बिहारी जी के तरफ देखा तो बस देखते ही रह गए, 5 घंटे हम तो वहीं जड़वत हो गए, खड़े ही रह गए। जय हो, उन्होंने बांध लिया नजरों से, हम जा ही नहीं पाए। हमने कहा अच्छा भैया फिर बताओ आज बिहारी जी ने कैसे रंग का श्रृंगार किया है। बोले वो तो हमको नहीं पता। तो फिर 5 घंटे क्या देखा। बोले क्या बताएं दीदी, नैन से जो नैन मिले तो वहीं अटक गए, अब नैन नीचे उतरे तो देखें कि भी क्या पहना है, उसने यहीं अटका के रख लिए। पर्दा इसीलिए लगता है कि वो जिससे नैन में टक्का कर लेगा उसी के साथ भाग जाएगा, मंदिर सूना हो जाएगा। तो जब दर्शन करो भगवान के तो आंखें खोल के दर्शन करो और भजन करो, तो फिर उसी दर्शन को यहां पर याद करो कि उनके दर्शन कैसे थे, तब आंख बंद करके दर्शन करो। अब प्रहलाद मंदिर तो है नहीं, वहां पर हिरण्यकश्यप ने सारे मंदिर तोड़ दिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर खाली माँ को पुकारता है जब सुनती नहीं है माँ तो, और जब इतनी जोर से चिल्लाता है सारे काम छोड़ के भाग के आती है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद को सब चीज का लालच दिया गया, प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया। अरे कौन चुनेगा कंकड़ पत्थर, कौन चुनेगा कंकड़ पत्थर। पिता ने कहा हीरे मोती जवाहरात सब ले ले, लेकिन उसका नाम बजाना छोड़ दे, मुझे भगवान कहे। प्रहलाद बोला कौन चुनेगा कंकड़ पत्थर, कौन चुनेगा कंकड़ पत्थर, कौन चुनेगा कंकड़ पत्थर, कौन चुनेगा कंकड़ पत्थर। अरे हाथ में है जब हीरा, हाथ में है जब हीरा, और कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन। और कठीर कठीरा, और कठीर कठीरा, अजय आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा। हर का ही बोल वाला अपना, हरी है हजार हाथ वाला, दीन दयाला हरी है हजार हाथ वाला, अपना हरी है हजार हाथ वाला, दीन दयाला हरी है हजार हाथ वाला। खोलते तेल की कढ़ाई में बैठा दे, कभी जहर पिला दिया, कभी न जलने वाली होलिका के साथ अग्नि में बिठा दिया, लेकिन भक्त तो पुष्प की तरह निकलता चला आया। और आज जब बोला गर्दन उड़ा दूंगा तो क्या मारेगा, मारने वाला क्या मारेगा, मारने वाला हो रक्षक जिसका, जिसका नक्शा
शिक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान अरे वाल नमा का होवे जिसका रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बोला हाँ मैं भगवान हूँ बोले पिताजी आप कैसे भगवान हुए मतलब मैं अभी तलवार से तेरा सर काट दूंगा तुझे मार दूंगा पिताजी आप मार सकते हैं लेकिन क्या आप जीवन दान दे सकते हैं क्या आप किसी को जीवन दे सकते हैं क्या पकता है नहीं दे सकते मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है बोला मैं देखूं आज तेरा बचाने वाला कहां से आएगा बोले आएगा कहां से वो तो यही है कण कण में है कण कण में है अच्छा इस खम्बे में है क्या बोला हाँ है तो बोला निकाल आज इस खम्बे में से ही बुला मैं आज तुझे यही मारूंगा और देखता हूं तुझे बचाने वाला इस खम्बे में से कहां से निकल के आता है बालक ने बोल तो दिया कि खम्बे में है लेकिन बच्चा ही तो था डर गया खम्बे से लिपट गया और खम्बे की दीवार के पास मुख लगा के कहने लगा भगवान आप अंदर हो ना इसमें तो कहीं जगह नहीं है ईंट पत्थर भरे हुए हैं आपके रहने के लिए जगह नहीं है बालक रो दिया मेरी लाज रखने के लिए हरि क्या आप आज इस खम्बे में से आओगे पिता गदा लेकर के आया और बोला आज इस खम्बे में से तेरे भगवान को भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा अभी उसने गदा उठाई ही थी गड़ 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 की आवाज हुई भर भरा के खम्बा गिरा खम्बे में से प्रकट हुए बोलो नरसिंह अवतार गजोर ग्राह लड़े जल भीतर गजोर ग्राह लड़े जल भीतर ओ गज की लाज बचाई गज की लाज बचाई आज बने हो नरसिंह प्रभु जी आज बने हो नरसिंह प्रभु जी देखो उठाया हिरण्यकश्यप को और यहाँ पर रखा और प्रहलाद से बोले बोल दे अपने बाप को ध्यान से देख ले न तो मैं नर हूं न मैं जानवर हूं और दहलीज पर बैठा हूं न घर के भीतर हूं न घर के बाहर हूं न दिन है न रात है संध्या का समय है और किसी हथियार से नहीं मार रहा हूं ना खूनों से फाड़ डाला हरि ने हिरण्यकश्यप को मार डाला अब इतना क्रोध भगवान को आ रहा है इतना क्रोध आ रहा है शांत नहीं हो रहे हैं तूफान आ रहे हैं धरती पर सुनामी आ रही है ज्वालामुखी फट रहे हैं सब देवी देवता डर गए भगवान का ये क्रोध कैसे शांत हो कोई पास न जाए जो जाए भगवान जोर से गुर्राहट करे मेरे भक्त को कोई सताएगा मार डालूंगा छोड़ूंगा नहीं भगत हमारे मुकुटमणि में भगता को दास और भगत हमारे पांव धरे तहां धरूं मैं हाथ मैं भक्तों का दास हूं वो मेरे मुकुटमणि है उनको कोई सताएगा मैं छोड़ूंगा नहीं जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर प्रभु धरती पर आए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म की हानि होगी तो मैं सृजन करने हेतु आऊंगा किस रूप में आऊंगा ये हमारे पास आंखें नहीं है संत कहते हैं भगवान तुमसे दूर नहीं पर उसको देखने के लिए जो चाहिए आंखों में वो नूर नहीं हर चीज में तर्क ढूंढते हैं ठाकुर जी दूध पीते हैं क्या भाई तुम्हारे ठाकुर जी दूध पीते हैं आप इनको भोजन करा रहे हो खाते हैं मैंने कहा अभी आपने हाथ जोड़े क्या समझ के जोड़े थे
आपने ठाकुर जी को हाथ जोड़े, माथा झुकाया, क्या समझ के झुकाया कि ये आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं? आप जब उनके सामने ऐसे ऐसे कर रहे हो तो वो आपको कुछ दे रहे हैं, आपको यकीन है ना? मांगने के वक्त पे वो दे देंगे तो भोग लगाने के वक्त पे वो क्यों नहीं खाएंगे? वो तो आते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते नहीं, हम ही पापी हैं हम ही बुलाते नहीं, हम ही पापी हैं हम ही बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। सतयुग से आ जाओ त्रेता में, शबरी सालों से इंतजार कर रही हैं। सब कहते हैं मैया कोई नहीं आने वाला, बोली नहीं गुरु ने कहा है राम आएंगे। बूढ़ी हो गई, रोज 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 घर को साफ करे, रोज फल फूल तोड़ के लाए, न जाने कब राम आ जाए। और एक दिन क्या देखती है बूढ़ी आंखों से, दो सुंदर सुकुमार चले आ रहे हैं। आंखें मल के देखने लगी, आ तो इधर ही रहे हैं। फिर बोली मैं भीलनी जाति की हूँ, कहीं मेरी छोटी सी झुपड़िया देख करके लौट न जाए, इतने सालों का इंतजार, अगर ये चले गए मुड़ गए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ये सोच करके शबरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगर ये मुड़े तो मैं आते हुए को तो देख सकती हूँ, लेकिन जाते हुए भगवान को नहीं देख पाऊंगी। आंख बंद करके बैठ गई और बोलने लगी राम 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 राम। मैया के कानों में आवाज आई, मैया। आंखें खोल के शबरी ने देखा सामने दो सुंदर सुकुमार खड़े हुए हैं, तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते आ गए हैं, भूख लगी है कुछ खिलाओगी? कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, विदुरानी के जैसे खिलाते नहीं, विदुरानी के जैसे खिलाते नहीं। जो त्रेता में शबरी कहीं गई थी क्या? कहीं नहीं गई, भगवान आए। द्वापर में विदुरानी कहीं गई थी क्या? भगवान आए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, तीजी भक्ति मम गुण गन करई कपट तज गान। भजन गाओ लेकिन साथ में शर्त लगाई है भगवान ने, कपट को तजना पड़ेगा, मत्सर को त्यागना पड़ेगा, तब भजन लगेगा। तो द्वापर में भी विदुरानी के बेर खाने के लिए आ गए भगवान। उधर बेर खाए थे या पत्ते खा रहे हैं? विदुरानी कह रही है घर में कुछ नहीं है, बोला है ना पतीली में से निकाल करके पत्ता ही खा लिया, मेरा ही तो घर है। विदुरानी के जैसे खिलाते नहीं, विदुरानी कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम न चाहते नहीं, गोपियों की तरह हम न चाहते नहीं। जो बंसी बजी बस भाग जाती थी सब गोपियां। दोनों हाथ उठाओ और ताली बजा करके, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हरि बोल, हरि बोल।